किया है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार सरदार शहर का उपचुनाव जीतेगी। राजस्थान का जवान दोनों ही दिल्ली और राज्य सरकार से दुखी है। चाहे अग्निपथ योजना हो, जिसमें दिल्ली सरकार ने सेना को ठेके पर दे दिया, किसानों के ऊपर जिस तरह दिल्ली सरकार तीनों बिल लेके आई, बीजेपी से भी बड़ी नाराजगी, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते दाम और जो हालात प्रदेश के अंदर बने कोरोना के बाद लंपी, और राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। राज्य सरकार में तो भी अधिकारी इस संशय के अंदर है कि कौन सीएम रहेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, इसी हिसाब से पिछले 4-6 महीने का जो चल रहा है, और उससे पहले भी जब सरकार गिर रही थी गहलोत की, तो ज़्यादातर कांग्रेस के लोग बाड़े बंदी में होटलों में रहे। ये पहली सरकार देखी जो होटलों से ही चली, और हर विधायक अपने अपने इलाके का मुख्यमंत्री हो गया, और भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड इस सरकार ने तोड़ दिए। कानून का राज नहीं रहा, थाने एम्बुलेंस से लेके हर जगह बलात्कार की घटनाएं हुई, आम आदमी दुखी पीड़ित अपराध में राजस्थान नंबर पर आ गया, नौजवान सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है, कानून का राज राजस्थान के अंदर नहीं रहा, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, और कांग्रेस लड़ रही है, और पायलट सीएम बनना चाहते हैं, गहलोत सीएम रहना चाहते हैं, उनका तो इतना ही मकसद है, और बीजेपी बिना दूल्हे की बारात है, एक दर्जन से ज़्यादा दूल्हे हैं बीजेपी के अंदर, कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा अभी कोई अता पता ही नहीं। और जो सरदार शहर की स्थिति है, लगातार पिछले मेरे हिसाब से 25-30 साल से ही चल रहा है, एक बार ये लगातार, चाहे स्वर्गीय भवनलाल जी और उसके बाद जिस उम्मीदवार को बीजेपी ने उतारा है, एक बार एमएलए लगा कि 4-5 बार लगातार इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन इलाके के हित की बात, जो सरदार शहर में चाहे सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने की बात हो, चाहे यहाँ के बिजली के मामले हो, चाहे दूसरे सरदार शहर के मामले हो, कि पुरजोर तरीके से पैरोकारी यहाँ के नेताओं ने विधानसभा में नहीं करी, सरकार ने करी, उसी का परिणाम है कि सरदार शहर जो आज़ादी के आंदोलन से पहले और बॉर्डर पे साथ देने में एक बड़ा नाम सरदार से जिले का, उसके बावजूद विकास के मामले में पिछड़ा हुआ, सड़क पानी स्कूल बिजली, आज़ादी के 75 साल भी बाद भी लोग सरकार की ओर देख रहे हैं। ये उपचुनाव 23 की दिशा तय करेगा। राजस्थान के जवानों ने करवट ले ली है, पर आगे भी पहला उपचुनाव नहीं लड़ रही, सुजानगढ़ में भी लड़ा था, साड़ा के अंदर भी लड़ा, बल्लभनगर में सेकंड नंबर है, और खींवसर का उपचुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीती थी, और हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान के किसान के बेटे या सर्व समाज इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट दे के, जो यहाँ के अपने उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भाई लालचंद मूंड, जो यहाँ के डेयरी काम से जुड़े हुए हैं, चेयरमैन हैं, और लंबे समय तक इस इलाके के बीच में एक सिंपल किसान के बेटे, कोई बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं आते, तो लोगों की इच्छा है बदलाव की, और बदलाव जरूरी भी है, क्योंकि आपने देखा कि करीब करीब प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टियां और बदलाव हो गए, और कांग्रेस बीजेपी कई जगहों पर यूपी बिहार जहाँ चौथे पाँचवें नंबर पर चली गई, तो राजस्थान का मतदाता भी चाहता है कि दोनों से उब गए, एक बार ये एक बार ये, 22 साल का जो वसुंधरा गहलोत का गठबंधन चल रहा है, इससे कानून व्यवस्था चौपट हो गई और आर्थिक स्थिति लोगों की रसा तल पर चली गई, युवाओं को रोजगार नहीं, अपराध युवाओं का इसका बढ़ गया, चूरू जिला गैंगवार से लेके जो घटनाएं चूरू की धरती पर हुई वो सारी जग जाहिर है, और निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे सरदार शहर के लोग भरोसा करेंगे, और छत्तीसगढ़ को हम भरोसा करके आरएलपी को मजबूत करेंगे, और राजस्थान का भविष्य ये चुनाव तय करेंगे। राजस्थान के लोगों ने ठान लिया कि 23 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हाथ में सत्ता सौंपनी राजस्थान। सर, जाट समाज ने भी एक बैठक, सर्व समाज सरदार शहर का, और दूसरी जातियाँ भी, हमारे शेड्यूल कास्ट की मेघवाल समाज, नाइक समाज, चाहे हमारा ब्राह्मण समाज हो, चाहे महाजन समाज हो, चाहे दूसरे समाज हो, ओबीसी, मूल ओबीसी हो, मुस्लिम हो, सब लोग ये चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, और जाट समाज का चूँकि बहुत बड़ा बाहुल्य सीट है, तो कहीं कहीं लंबे समय से उनको लग रहा है कि उनके हितों की पैरोकारी नहीं हो रही, और मुझे तो जाट समाज के साथ साथ तमाम समाज, सर्व समाज के अंदर एक बात हमें तो, क्योंकि मैं सरदार से टच में लंबे समय से हूँ, पिछली बार भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ा और 10,000 के आसपास वोट आरएलपी पार्टी ने लिए थे, हमारी कोई तैयारी नहीं थी, चुनाव लड़ना था राजस्थान को बचाने के लिए, आप दिल्ली में भी अकेला हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, 24 मोदी की जय बोलते हैं और एक मैं राजस्थान की जय बोलता हूँ, स्टेट के अंदर कांग्रेस से लड़ रहे हैं, जब बीजेपी कांग्रेस हाथ मिला ली तो आरएलपी पार्टी लड़ती हुई नजर आती है, तो सरदार शहर के जवान चाहे किसी भी जाति का एक ही बात कहता है कि हम बदलाव चाहते हैं, हनुमान जी यहाँ पे आप मजबूती से आप आओ, आप हमारे गांव-गांव आओ, आप करो, हम बदलाव चाहते हैं, निश्चित रूप से आपको मजबूत, मुझे पूरा भरोसा है कि सरदार शहर में सर्व समाज
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। जनना जो चलते थे लंबे समय सब घर बैठ गए, लोगों ने उनको आखिरी वो कहते हैं ना भाई बुजुर्ग जो होता है उसको आखिरी थेपड़ी देते हैं, उनके परिवार घर में विदाई बाय बाय, तो तमाम परिवारवाद जहाँ जहाँ चला, वंशवाद की राजनीति राजस्थान की जनता ने जवानों ने नकार दी। और सरदार साहब में भी इस बार ये रिकॉर्ड यहाँ की जनता तोड़ेगी। वंशवाद तो खत्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी सबक सिखा देंगे। बड़ा नुकसान किया था लोकसभा चुनाव के अंदर, तो बीजेपी बड़े कह रहे हैं कि आरएलपी की वजह से हम 25 MP बने, किसी ने नहीं कहा। वो तो उल्टा मुझे कहते हैं कि हनुमान हमारी वजह से बना। तो मैं बार बार कहता हूँ कि 2.5-3 लाख वोट तुमने दिए, 30-35 लाख मैंने दिलाए, तुम्हें वापिस दो, उधार है मेरे वोट तुम्हारे ऊपर। बीजेपी का तो नुकसान हो रहेगा, बीजेपी किसानों की पार्टी थी नहीं कभी, और बीजेपी के अंदर जो किसानों के बेटे बेटे वो डेपुटेशन में गए हैं सारे सारे, उनको कहीं ना कहीं जगह नहीं मिली होगी। नई पार्टियां नहीं थी, आने वाले 5-7 साल बाद देखना यहाँ दोनों पार्टियों की क्या स्थिति बनती। राजस्थान का जवान अपनी खुद की पार्टी चाहता है, और आरएलपी पहली पार्टी किसान पुत्रों की किसानों की जिसका रिमोट कंट्रोल राजस्थान के किसान के बेटों के हाथ में। हमने को जयपुर दिल्ली से टिकट तय नहीं किया, यहाँ विधायकों को भेजा और 1 दर्जन से ज़्यादा नौजवान नेता गाँव घूम रहे थे, सबकी इच्छा थी। सारी बात करने के बाद हमारे जो पुराने चुनाव लड़े जो और मांग रहे थे आरएलपी में टिकट, उनको भी एक साथ बिठा के एक कमरे में सबकी सहमति से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एक किसान के बेटे को उम्मीदवार घोषित किया। और सबको लग रहा है कि आरएलपी हमारी है, ये जयपुर और दिल्ली के लोग हैं, ये वापस नहीं आएंगे, आरएलपी हमारे बीच रहेगी हर मोड़ पे हर जगह। कहा ऐसा भी जा रहा है।